हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के बारे में, क्योंकि यह करंट अफेयर से रिलेटेड है और हो सकता है यहाँ से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेशनल टीचर अवार्ड 2023 के बारे में अब देखते हैं। तो यहाँ पर है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए नामों की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए नामों की घोषणा कर दी है। तो ये इसके बाद है आगे कि 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में देश भर के कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5 सितंबर 2023 है, यानी कि 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कहाँ पर दिया जाएगा, तो यह है दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया जाएगा यह पुरस्कार। और कितने लोगों को दिया जाएगा, देश भर के जो 50 शिक्षक हैं, टोटल 50 शिक्षक हैं, उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है सम्मानित करेंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखें कि 5 सितंबर को यह शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में यह दिया जाएगा। और देश भर के जो है टोटल 50 टीचर्स को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ये सम्मानित करेंगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, याद कर लेना है। सभी चयनित शिक्षकों को सम्मान के तौर पर प्रमाण पत्र, रजत पदक और 50,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 50 शिक्षक हैं जो चयनित हुए हैं उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, रजत पत्र मिलेगा और साथ साथ 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, याद करेंगे। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, तो यह शिक्षकों के योगदान के लिए उनकी सराहना करना है जिन्होंने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है और कड़ी मेहनत से अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। तो ये जो है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने का जो उद्देश्य है वह क्या है, कि वह है शिक्षकों के योगदान, जो शिक्षक जो है योगदान दिए हैं पढ़ाई के क्षेत्र में उसमें उनको सराहना करना है, साथ ही साथ स्कूल शिक्षा की जो है गुणवत्ता में उन्होंने जो सुधार किया है अपने स्तर से उनको भी, और साथ साथ वो अपने जो खुद के मेहनत से अपने जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए जो किए हैं, इन्हीं की सराहना करने के लिए ही इनको जो है राष्ट्र पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं शिक्षकों की इस सूची में क्या है। तो इस सूची में जो है मध्य प्रदेश के 5 शिक्षक, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से 5 शिक्षक, बिहार और उत्तर प्रदेश के 3-3 शिक्षक हैं, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों से 2-2 शिक्षकों को सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एमपी में है जो है एमपी स्टेट से सबसे ज़्यादा 5 शिक्षकों को सूचीबद्ध किया गया, बिहार उत्तर प्रदेश के 3-3 शिक्षकों को, और कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड आदि जो है, इसके अलावा और राज्य हैं वहाँ से भी शिक्षकों को सूचीबद्ध किया गया, लेकिन ये जो है इन राज्यों में 2-2 शिक्षकों को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों से भी शिक्षक चयनित किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है इनके अलावा भी अन्य राज्यों से भी शिक्षक चयनित हुए हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय और असम राज्यों से 1-1 शिक्षकों का चयन किया गया। तो पूर्वोत्तर राज्यों में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे याद करेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय और असम राज्य से 1-1 शिक्षकों का चयन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से केवल 1 शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है उनमें से केवल दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से केवल 1 शिक्षक को ही सम्मानित किया जाएगा। तो ये आप लोग इतने चीज़ों को याद कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे जो है नेशनल टीचर्स डे अवार्ड हुआ है 5 सितंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में, टोटल 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के बारे में जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है।